हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 ऑड का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 का है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच 6 सेम्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इन अ थायरिस्टर एनोड करेंट इज मेड ऑफ। तो एनोड करेंट हमारा किस चीज़ का बना होगा थायरिस्टर का? तो ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो पहला का सी। दूसरा हमारा है डायक कैन बी टर्म्ड एज। तो हम लोग ऐसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं डायोड, डायक हमारा क्या होगा? डायोड एसी स्विच होगा। जैसे कि यह हमारा डायक होता है, यह हमारा डायक होता है। तो डायोड इसलिए दिया गया कि टू टर्मिनल है, तो डायोड हमारा टू टर्मिनल हो जाएगा, MT1 और MT2, इसलिए वह डायोड एसी स्विच हो जाएगा। तो दूसरा का ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा में हम जाते हैं UJT एक्सिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो ध्यान दीजिए, UJT का जो हम लोग ग्राफ पढ़े थे इस तरह से, UJT का जो ग्राफ पढ़े थे यहाँ से यह वैली पॉइंट आया था, यह पॉइंट को वैली पॉइंट बोले थे, यह पॉइंट को पिक पॉइंट। तो वैली पॉइंट और पिक पॉइंट के बीच में नेगेटिव रेजिस्टेंस लाता है, तो तीसरा का बी हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा बी। फोर्थ नंबर पे आगे बढ़ते हैं, इन्वर्टर कन्वर्ट। तो इन्वर्टर क्या काम करता है? इन्वर्टर कन्वर्ट करेगा DC to AC। तो चार का ए। पाँच, विच सेमी कंडक्टर बिहेव स्ट्रक्चरली एज कंसिस्टिंग ऑफ ए डायोड एज टू रेजिस्टर। तो ध्यान दीजिए, आप UJT पढ़े होंगे, UJT जब पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे, तो UJT का जो हमारा कंस्ट्रक्शन था तो इस तरह का था। तो एक डायोड हो गया और दो रेजिस्टर्स हो गया, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? पाँच का ए हो जाएगा। उसके बाद छः नंबर, AC पावर इन अ लोड कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। तो AC पावर कैन बी लोड कंट्रोल बाय यूजिंग हमारा क्या होगा? तो देखिए, 2 NT पैरेलल SCR लगा रहेगा तभी हम लोग AC पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। 2 NT पैरेलल SCR, तो 2 SCR पैरेलल इन अपोजिशंस। अपोजिशंस कहने का मतलब एंटी पैरेलल होगा। तो छठा का ए, सिक्स का ए। सेवन, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर द रेक्टिफिकेशन रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो ये तो पढ़ चुके हैं, 81% के आसपास उसका रेक्टिफिकेशन रेशियो होता है। तो सेवेंथ का सी। एट नंबर, द पी टाइप इमीटर ऑफ अ UJT इज हाईली डोप्ड। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा जो इमीटर का था तो यह पी रीजन हाईली डोप्ड, और यह एन रीजन था, यह हमारा लाइटली डोप्ड था, तो पी रीजन हाईली डोप्ड होता है। तो आठ का सी। नौ, फॉर एन SCR DI/DT प्रोटेक्शन इज अचीव थ्रू द यूज ऑफ। तो DI/DT के लिए हम लोग इंडक्टर लगाते हैं इन सीरीज विद द SCR, और DI/DT के लिए हम लोग स्नबर सर्किट लगाते हैं। स्नबर सर्किट इज अ कम्बिनेशन ऑफ RNC रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो स्नबर सर्किट DI/DT के लिए होता है, और इंडक्टर हम लोग सीरीज विद द SCR DI/DT। तो सी। नौ का सी, एल इन सीरीज विद SCR। नाइन का सी। अब आगे आते हैं दस नंबर में, इन अ पल्स विथ मॉडुलेशन ऑफ अ चॉपर। तो पल्स विथ मॉडुलेशन ऑफ अ चॉपर, तो दस का ए, टी इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड टी ऑन इज चेंज। तो दस का ए, और यह कंट्रोल स्ट्रेटजी जो हमारा दोनों था, दो हम लोग कंट्रोल स्ट्रेटजी जो हम लोग चॉपर में देखे थे, कंट्रोल स्ट्रेटजी ऑफ चॉपर, चॉपर में जो हम लोग देखे थे, यह जो हमारा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट VVI, समझो कि एग्जाम में ही आता है मोस्ट VVI। तो दस का ए। उसके बाद चॉपर कैन बी यूज्ड टू, तो इंक्रीज द DC वोल्टेज, बढ़ाता भी है घटाता भी है। तो सी। ग्यारह का सी। बारह, तो बारह का डी सीधा, जब हमारा इन्वर्टर के जैसा काम करेगा तो अल्फा का वैल्यू 90 से 180 होना चाहिए, और कोई भी लोड के पास कोई सोर्स जरूर होना चाहिए। तो 12 का डी। उसके बाद 13, द एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इन अ स्टेप डाउन DC चॉपर। तो इसमें के, अल्फा के जगह के दे दिया गया है, तो हमारा वी नोट बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू VS, तो अल्फा के जगह के दे दिया गया है, तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। स्टेप डाउन दे रहा है तो अल्फा इंटू VS हो जाएगा। 13, क्या दिया है? द कंट्रोल मेथड ऑफ यूज PWM DC, तो सारा कंट्रोल यूज करते हैं। 14 का डी, वोल्टेज कंट्रोल, करंट मोड कंट्रोल, हिस्टेरेसिस कंट्रोल, साला कंट्रोल। तो 14 का डी, फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर यूजेज, ओनली SCR देंगे, थायरिस्टर ओनली, SCR ओनली हम लोग फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर में यूज करते हैं। वो डायोड यूज करते हैं, सर्टेन लगाते हैं फ्री व्हीलिंग के लिए।
लेकिन आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है 15 का बी, विच डिवाइस कैन बी यूज इन अ चॉपर सर्किट। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस, सभी यूज कर सकते हैं। अगर इसमें एस सी आर भी मेंशन रहेगा फिर भी सभी का देंगे, क्योंकि बीजेटी भी स्विच के रूप में यूज होता है, मॉसफेट भी स्विच के रूप में यूज होता है, जीटीओ भी स्विच के रूप में होता है, एससीआर भी स्विच के रूप में होता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। द लोड वोल्टेज ऑफ अ चॉपर कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग, तो वी नॉट बराबर अल्फा इंटू बी एस, अल्फा इज अ ड्यूटी साइकिल। तो 17 का ए 18 इन अ पल्स विथ मॉडुलेशंस, आउटपुट वोल्टेज इज मॉडुलेटेड, इनपुट वोल्टेज इज मॉडुलेटेड। हमारा पल्स विथ मॉडुलेशंस में गेटिंग पल्स आर मॉडुलेटेड, जब हम गेटिंग पल्स को मॉडुलेट करते हैं, देखना पल्स विथ मॉडुलेट को, जब हम गेट के पास पल्स देते हैं उसको मॉडुलेट करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाता है, मॉडुलेट हो जाता है। तो गेटिंग पल्स को मॉडुलेट करते हैं। द पावर मॉस्फेट इज अ, पावर मॉस्फेट हमारा कैसा कंट्रोल है, तो ये तो आपको बता चुके हैं पावर मॉस्फेट हमारा कैसा कंट्रोल्ड है। तो मॉस्फेट ध्यान दीजिएगा, क्लास में लिखाए भी थे सभी सारे, बहुत सारे डिवाइस को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, कौन कंट्रोल है। तो मॉस्फेट हमारा वोल्टेज कंट्रोल होता है, वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर डिवाइस। उसके बाद भी स्टेप डाउन चॉपर कैन बी यूज, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मशीन टूल्स, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, 20 का डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, 20 का डी ऑल ऑफ दिस, सभी में यूज करते हैं। देखिए यहाँ से आपको बता रहे हैं जो हम अभी बोल रहे हैं इस लेक्चर्स में, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो जो हमारा साइक्लो कन्वर्टर एकदम एग्जाम में, तो समझो कि तुम्हारा आ गया यूजेटी, समझो कि आया हुआ है यूजेटी साइक्लो कन्वर्टर। उसके बाद स्टैटिक भार कंपनसेटर, बैटरी चार्जिंग सिस्टम, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, और तुम्हारा एक और है स्टैटिक भार कंपन, हाँ स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम, ये सब समझो एग्जाम में आता ही आता है। तो इसको एकदम पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए गुड बाय।